ఓంకారం ఇందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగిన కామిదం మోక్షిదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః. మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమోగణి మంగళం కుందే కుందార్యో నిర్ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రాణం సర్వధర్మాణం జయతు సాధినం. వందితు సర్వసిద్ధేరవమచలమణోభవం గతిం పత్తే మోక్షామి సమయ పాహు నిర్మోసుది కేవలీ వణితం. నమస్తమే తారాయ స్వామిచాసితే స్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరక్షిణే అనంతి ధర్మణస్తత్వం పశ్యంతి ప్రత్యేగాత్మనా అనేకాంతమయీ మూర్తి నిత్యమేవ ప్రకాశితా. सर्वप्रथम तो आदरणीय भाई जी को साधुवाद. उनके निमित्त से हम सबको हर साल कुछ न कुछ विशुद्धि और पवित्रता बढ़ाने का अवसर मिलता है. आपको नहीं पता, आप तो बॉम्बे से नहीं निकलते, आप हमारे मध्य प्रदेश पर आइए. छोटे छोटे गांवों में जैसे आपके तीन भगवान की वेदियां हैं, ऐसी वेदियां चमक रही हैं. जबेरा जैसा छोटा सा गाँव है, गड़ाकोटा जैसा छोटा सा गाँव है, बंडा है, मतलब इतना भाई जी के इस मामले में तो देश पर बहुत बड़ा उपकार है. हम प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन में आपको जगा सकते हैं, लेकिन रोज जिनेन्द्र भगवान का दर्शन कराने का निमित्त तो भाई जी को ही जाता है. तो सोच सकते हैं एक मंदिर बनना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल जगह पे भी मंदिर बनाना सरल कर देते हैं भाई जी. वो पहुंच जाते हैं तो पता नहीं कौन सी ऊर्जा आ जाती है और पैसा भी आने लगता है और काम भी सब बनने लगते हैं. तो मतलब वो भी एक माइलस्टोन है गुरुदेव श्री की प्रभावना की. जैसे राजमल पवैया जी ने एक विधान में बहुत गजब काम किया, डॉक्टर साहब ने एक फौज खड़ी कर दी, जैसे भाई जी का भी एक बहुत बड़ा उपकार है. और भाई जी कुछ कमजोर पड़ रहे थे तो आदरणीय रजनी भाई जैसे एक, मैं क्या कहूँ, मोदी जी कहूँगा, अमित शाह कहूँगा. अब अमित शाह कहना पड़ेगा क्योंकि सेकंड पोजीशन में तो वही है. तो मैं पर्दे के पीछे रहता हूँ. आज भाई जी तो मात्र 5-10% काम करते होंगे, 90% काम कोई करता है तो उसका नाम आदरणीय रजनी भाई जी. मतलब एक, मैं नहीं सोचता पूरे भारत में एक सिंगल मैन है जिन्हें गुरुदेव श्री के आखा 9000 प्रवचनों का स्वाध्याय किया. मुझे तो इस बात का भी बहुत गौरव है क्योंकि हम 1-2 घंटे कंटिन्यू नहीं निकाल पाते. बहुत सोचते हैं तो अभी महीने भर में 10-15 प्रवचन भी नहीं सुन पाते और उन्होंने 9000 प्रवचन पूरे सुन लिए. और मतलब मेरा कहने का भाव है कि सिर्फ ऊपर ऊपर क्रियाकांड या विधि विधान कराने वक्त के एक्सपीरियंस नहीं है उनको, वो तो उनकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है, लेकिन वो स्वाध्याय में भी जुझारू हैं और हर विषय को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं और बीच बीच में गुड़ भी खिलाते रहते हैं. उनके पास बहुत गुड़ है और बहुत गुड़ खिलाते रहते हैं वो. मेरे पास तो ना इतना गुड़ है ना मैं गुड़ खिला सकता हूँ. कुल मिला के मेरा तो एक बात कहने का भाव रहता है, इस दिन शासन में जो जहाँ जो भी अच्छा काम कर रहा है वो साधुवाद का पात्र है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए ताकि उसका उत्साह जीवन भर में कभी कम ना. ठीक है ना, आइए अपन अपनी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं. अपन ने कर्ता कर्म अधिकार चालू किया था. 69-70 गाथा पर अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी. गाथा तो 73 लेनी है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा और करेंगे. आज आदरणीय बसंत भाई जी कह रहे थे कि थोड़ा व्यापक संबंध और संयोग से जो संबंध भी तो बताओ आप क्या कहलाता है, तो उसकी चर्चा भी अपन करते हैं. 71 गाथा का थोड़ा पाठ कर लेते हैं, अपन ने 2 दिन में पाठ भी नहीं किया. जैया ए मेणे जीवे अपनो आसवाणिया तहेव नादम हो दिव्य से संतरम तु तैयाना बंदो से ये जीव
जो ही आश्रवों का त्यों ही अपने आत्मे का जाने विशेषंतर तभी वंदन नहीं उसको कहा। अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि कर्ता कर्म अधिकार है और आपने बात आश्रव से भेद विज्ञान की क्यों, क्योंकि ये जीव सिर्फ कर भी सकता है कुछ तो विकल्प कर सकता है और विकल्प का साहित्यिक नाम आश्रव है, ठीक है ना। इसलिए इस जीव ने आज तक क्या किया, आश्रव किया और आश्रव का ही कर्ता बना, पर द्रव्य का तो कोई कर्ता है ही नहीं। लेकिन यहाँ अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि इस जीव ने आश्रव भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि कर्ता कर्म के लिए व्याप्यापक संबंध की आवश्यकता पड़ती है और जिसमें व्याप्यापक संबंध नहीं होता उसमें कर्ता कर्म संबंध हो ही नहीं सकता। और राग में और जीव में, आत्मा में, ज्ञान में कौन सा संबंध है, राग में और आत्मा में संयोग सिद्ध संबंध। अब ये संयोग सिद्ध संबंध और तादात्म्य सिद्ध संबंध क्या कहलाता है। अभी दूध होते हैं ना भैया, दूध, दूध में शक्कर डालते हो आप और ऊपर से चम्मच हिलाते हो तो चम्मच के कारण मीठी हुई है कि शक्कर के कारण, क्यों, तो डाल दो शक्कर मत हिलाओ चम्मच फिर देखो मीठा होता है कि नहीं, होता नहीं जी। और नहीं तो शक्कर ही मत डालो सिर्फ चम्मच हिलाओ तो कितने दिन में मीठी होगी, नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि शक्कर में मिठास तन्मय है, चम्मच में मिठास तन्मय नहीं है। तो चम्मच का उस दूध से मिठास से कौन सा संबंध है, संयोग से। अभी एक देश लगा ना, वैसे तो दूध में और शक्कर में भी कुछ ना कुछ संबंध है, डिफरेंस है, लेकिन अभी एक देश लगाना आप तो अभी तादात्म सिद्ध संबंध किस और किसके बीच में, शक्कर और मिठास के, और मिठास और चम्मच के बीच में कौन सा संबंध है, ऐसे आत्मा और आश्रव के बीच में कौन सा संबंध है, संयोग सिद्ध। अभी संयोग सिद्ध क्यों कहते हो आप, देखो ये खत्तर गाता है ना इसमें चालू की इसकी टीका, इस जगत में वस्तु है वह अपने स्वभाव मात्र ही है, उस स्वभाव का होना उसका नाम स्वभाव कहलाता है, अर्थात अपना जो होना परिणाम न सो स्वभाव है। अभी देखना भैया, वस्तु जिससे तादात्म होती है उससे एक क्षण भी अलग नहीं होती, नहीं होती ना। तो मैं आपसे कहता हूँ ज्ञान और आत्मा कब अलग हुए, अरे हो गए जब अपन लोग राग कर रहे तब ज्ञान नहीं हो रहा था ना, है? अरे कहाँ हो रहा था, जब आप दुकान चला रहे बिनु भाई, जब आप दुकान जाते हो तो फिर ज्ञान नहीं होता ना, है? अरे ऐसे यहाँ से बोलते हो, वहां तो ऐसे ही लगता है पंडित जी मैं तो आत्मा भूल ही जाता हूँ। तुम आत्मा भूल भी जाओ तो भी आत्मा कभी अनात्मा नहीं होता, उस समय भी वो क्या कर रहा है अभी पता ही, 181 गाथा है उसके बाद 184 भी है, उधर लिखा है वस्तु का स्वभाव चला जाए तो वस्तु ही चली जाए और वस्तु का स्वभाव कभी नहीं जाता। मतलब आप दुकान में बैठे बैठे दुकान चलाते हो कि जानते देखते हो, फिर दुकान कौन चलाता है, कम वक्त दुकान चलती भी तो नहीं है, कब से ग्रांड रोड पे ही टिकी है थोड़ी चल जावे कहीं तो बात की बात है, वही टिकी है, उससे इधर से उधर खिसक तक नहीं रही है। बोलो भैया अब बताओ, तुम जानते देखते हो कि दुकान चलाते हो, समझ में आता, इसको आत्मघात बोलते हैं। अभी दुकान में तो समझ में आता है लेकिन पूजन के काल में तुम पूजन के परिणाम से तादात्म हो या ज्ञान से तादात्म हो, पूजन से तादात्म हो कि नहीं, समझ में आता। अभी गुरुदेव श्री कहते थे कि कौन स्त्री को छुए, कौन स्त्री को हाथ लगाए, बापा तूने तो हाथ तक को नहीं छुआ, क्योंकि तादात्म हुए बिना कर्ता और भोक्ता पने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। तो बात तादात्म संयोग की चल रही थी ना, तो अभी मैं आपसे कहता हूँ, आपको थोड़ी देर पहले पूजा के परिणाम आए थे, इसके बाद में दान के परिणाम आए, इस दिन साहब 6 लाख, उसके तुरंत बाद अब सुनने के परिणाम आ रहे हैं, ये तीनों परिणाम पहले थे अब क्यों नहीं है,
और अभी बीनू भाई ने आज कह दिया है कि आपका टाइम आज अंतर मुहूर्त ही है। कोई बात नहीं, आप तो आप मैं तो समझा आधा घंटे ही है, फिर भी 15 मिनट का ग्रेस पीरियड दे दिया, थैंक यू। फिर उन्होंने कह दिया आपका परिणाम नहीं लगता हो तो आप चुपचाप उठ के चले जाना। मैं आपसे पूछता हूँ आपका परिणाम कहाँ चला गया? अभी 9 बजे सुनने का है और 10 बजे नहीं सुनने का है। आप कौन से परिणाम के करता हो, सुनने वाले के कि नहीं सुनने वाले के? और फिर यदि आप उन परिणाम से तादात्म हो तो आपको हमेशा वो परिणाम चलना चाहिए। आगे मृगी का वेग लिखा है, मृगी के वेग का परिणाम लिखा है, उदाहरण दिया है कि मृगी का वेग एकदम से आता है और बाद में जीव मृगी समझते मिर्गी हो जाती ना व्यक्ति को, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? मुझे तो आश्चर्य कि बाद में जाके इंग्लिश में ही मोक्ष होगा। हिस्टोरिया हिस्टोरिया में हमारे प्रतिष्ठाचार ने जो कह दिया हम तो वो मानेंगे। हिस्टोरिया बोलो, मृगी का वेग आता है ना तो एकदम ऐसा आता, आदमी ऐसा बेहोश हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। अभी आज की बात में को तो डिप्रेशन, व्यक्ति डिप्रेशन में आता है तो बहकी बहकी बातें करता है, गोली खा के 4 दिन आराम करता है। अभी मैं कोलकाता गया ना रजनी भाई जी, तो एक व्यक्ति गुप्ता जी थे, बाकी सब गुप्ता जी थे, और इतने जुझारू, मैं मेरी गलती में नाम ले लिया, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, तो इतने स्वाध्यायी जीव कि बाल की खाल निकाले 38 और 73 में क्या अंतर है, ऐसे ऐसे अंतर करे। फिर एक दिन मुझे लौटना था, जब आखिरी में तब वो अपने जो अध्यक्ष महोदय हैं वो बोले पाटनी जी कि पंडित साहब एक बात करनी है, आप वहाँ चले जाओ। मैं वहाँ पर गया तो वो उनका बोले ऐसे माइंड घूम रहा है, पूरा घूम रहा है माइंड, मेरा मन ही नहीं लग रहा पंडित जी, बोले आत्महत्या का परिणाम आता है दिन भर, ऐसा लगता कून जाओ, ऐसा लगता कून जाओ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो बोले मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, तो वो मैं टेंशन में आ गया कि ये चली जाएगी तो मुझे रोटी कौन खिलाएगा। अब पत्नी तो ठीक हो गई और जी बीमार हो गया। अब मैंने उनसे कहा आपने तो आत्मा पढ़ी है, बोले मुझे सब आता है। उसने मुझे फटाफट छठी गाथा ले मुंह से, 73 ले, 38 ले, जो पूछो वो गाथा ले। पंडित जी मैं पूरा विषय बता सकता हूँ लेकिन मुझे मरने का भाव आ रहा है। बोले मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने कहा मंदिर आओ स्वाध्याय करेंगे। बोले मेरा मंदिर अंदर आने का मन नहीं हो रहा, मुझे तो बस ऐसा लग रहा मर जाओ। सच में आता है कहाँ गए परिणाम मंदिर के? और अब उसको ऐसा मरने का भाव आ रहा है। तो मैंने कहा मैं आपको एक डॉक्टर बताता हूँ, आप ऐसा ऐसा करो। फिर बोले यहाँ दिखाया, फिर मैंने कॉल किया भी 10-12 दिन पहले तो पता चला वो ठीक हो गए, मंदिर आने लगे। कहाँ गए वो परिणाम? और आपको पता है अपने महावीर स्वामी पहले 60,000 वर्ष तक तो सिर्फ 60,000 वर्ष नहीं 60,000 बार क्या बने थे? वेश्या। कहाँ गए वो परिणाम? और पंचम काल की वेश्या नहीं, चौथे काल की वेश्या जिसका लंबा लंबा टाइम होता, मतलब आप विचार करो तो लाखों हजारों वर्ष तो सिर्फ व्यभिचार में बिता दिया होगा। कहाँ गए वो परिणाम? यदि वो उनसे तादात्म होते तो वो परिणाम अभी होने चाहिए थे, क्योंकि जिसमें तादात्म सिद्ध संबंध होता है। रजनी भाई जी आप, वो बसंत भाई जी आप आगे क्यों नहीं विराजते? आप बैठे रहते तो मुझे ऐसा बल आता है कि कोई अपने वाला बीच में कोई व्यक्ति बैठा, और वो आप पीछे से संघर्ष कर रहे हैं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। फेस टू फेस मिलना चाहिए ना, बड़े पुरुष। देखो भाई जी तक ने ऐसा लकी अध्यक्ष चुना बार बार, एक बार 15,000 तो दूसरी बार ही 15,000 माना सावे, इसलिए बसंत भाई जी को अध्यक्ष बना। क्या बोल रहे भैया? तो कहाँ चले गए वो परिणाम जो पहले थे? और आप देखना आपको एकदम से, जब ये रजनी भाई जी बोल रहे थे तो ऐसा लगता था 1,11,000 यहाँ भी दे दूंगा, और भाई जी खड़े हुए तो बोले नहीं यार कल दे चुका हूँ ज्यादा हो जाएगी थोड़ा डाउन कर दो, तो बोले 50,000 दे दें। तो बाजू में यहाँ देखा लक्ष्मी को, क्यों कितने दे दूं? ज्यादा मत दे देना, नहीं तो ज्यादा पुण्य लग जाएगा तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, इसलिए कम देना। उसने मुंडी हिला दी तो 11,000 पर आ गई गाड़ी।
फिर उसने उसने आइडिया दिया कि 11,000 मत दो, 3,000 के 3 कर दो ना पूरी फैमिली। अब बताओ गाड़ी कहाँ से कहाँ चली गई, 1,11,000 से 11,000 भी नहीं बच्चे, 9,000 पर आ गई गाड़ी, कहाँ गए परिणाम। मैं आपसे एक बात कहूँ, यद्यपि मुझे परिणामों की उत्कृष्टता नहीं बतानी, लेकिन फिर भी कुछ परिणाम है तो आत्मकल्याण कर लो, ये भी नहीं बचेंगे, ये भी नहीं बचेंगे। ये मैं मालूम कहां से बोल रहा हूँ, टोडा मजीद साहब ने लिखा है परिणामों की यथा स्थिति पर हमेशा ऐसे परिणाम नहीं बने रहेंगे, बदल जाएंगे। इसलिए तुम्हें आज ऐसा लगता है मेरे पास निवृत्ति है, मुझे चेतन अच्छा लग रहा है, तो आज बैठ लो उसके साथ, आज के बाद कभी ये परिणाम ही नहीं आए तो तुम गाय के पास बैठ भी नहीं पाओगे। बोलो भैया कहाँ चले गए परिणाम, मालूम इसका नाम भेद विज्ञान है। मैंने आपसे एक दिन और कहा था, आपको पूरी दुनिया में मुकेश अंबानी जैसा पैसा कमाने का भाव आए तो भी मोक्ष नहीं रुकेगा, बसरते तुम उसे संयोग सिद्ध देखो, तादात नहीं देखो। लेकिन यहाँ एक परिणाम आता है और हम उससे ऐसे तादात में सिद्ध संबंध वाले हो जाते हैं, और मालूम आश्चर्य भी देखना कि एक परिणाम आपको सुबह आया तो आप उसे लिए रहते हो रात तक, नहीं लिए रहते, और उसी को देख देख के उदास होते रहते, इसको पर्याय दृष्टि कहते हैं। परिणाम होने का आश्चर्य नहीं है, तुम परिणामों को देख देख कर सुखी दुखी होते रहते हो, इसका नाम संसार है। वे तो आएंगे ना, जैसे उदय में पड़े हुए मैं से आएंगे ना, लेकिन मेरा उनके साथ कौन सा संबंध है, संयोग से जो संबंध है। आपको पता है बच्चा होता है ना, बच्चा कितनी बार वॉमिट कर देता है, कितनी बार पॉटी चला जाता है, कितनी बार आप बताओ साफ सुथरा करके गले लगाते हो कि नहीं, गंदा कहाँ हुआ, वो तो उस बच्चे की नेचुरल ब्यूटी है। ऐसी राग आने का आश्चर्य नहीं है, गुणस्थान प्रमाण राग आता ही है, लेकिन आपको उसके साथ कौन सा संबंध है। और संयोग सिद्ध संबंध क्या कहलाता है, जो संयोग में आया है और आया है तो जाएगा, जाता ही है, वो जाने के लिए आया है, और तादात्म्य सिद्ध संबंध कभी नहीं जाता, वो आपके साथ ही रहता है, भले आप उसे भूल जाओ लेकिन उसमें कभी कमी नहीं होती, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। अब बताओ हम 24 घंटे ज्ञाता दृष्टा है कि मोही रागी द्वेषी, अभी मोह राग देश रोकना पुरुषार्थ नहीं है, मोह राग देश को भिन्न देखना पुरुषार्थ है, इसलिए भेद विज्ञान को पुरुषार्थ कहा। अब बोलो कर्तृत्व रोकने के लिए राग रोकना है कि राग को भिन्न देखना है। अभी एक बात और ख्याल में आती है तो कहते हैं, आपको पता आपको राग अपना काम दिखता है, इसलिए आप दिन भर उस काम को देख देख के सोचते हम अपना कल्याण ही नहीं कर पा रहे हैं, हम दिन भर राग कर रहे हैं, हम दिन भर राग कर रहे हैं। और नहीं तो यहाँ पे आते हैं तो पंडित जी हम राग को कैसे रोकें, कि तुम्हें राग को नहीं रोकना है, तुम्हें सिर्फ राग से भेद विज्ञान करना है कि मैं राग नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं, और बोलो दोनों एक साथ चल सकते हैं कि नहीं, राग और ज्ञान, राग धारा और ज्ञान धारा, दोनों चल सकती कि नहीं, चलती हैं दोनों। बोलो अभी सम्यक होता ना, छाई सम्यक दर्शन चक्रवर्ती को था, आदिनाथ स्वामी को था, तो पहले दिन से ही था जब से आए थे वो, और पूरे जीवन भर रहा, तो बताओ 83 लाख पुरुष तक कैसे घर चला रहे होंगे, कैसे काम चल रहा होगा। इसलिए लिखा ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, अरे परिणाम तो आएंगे कहां जाएंगे, लेकिन आपका उनके साथ कौन सा संबंध है। आप पता आप लगाते, जैसे कभी कभी होता है ना कोई व्यक्ति आज थोड़ा सा हीन कपड़ा पहन के आ गया हो, अभी नहीं हो सूखा नहीं हो प्रेस नहीं हो, तो थोड़ा सा पुराना कपड़ा पहन के आ गया हो, अब बताओ कोई उससे कुछ नहीं कह रहा लेकिन वो दुखी क्यों हो रहा, तो पूजा भी करता है जय जय नाथ परम गुरु हो, ऐसे देख रहा है कि कोई क्या सोच रहा हो। मैं कई बार रजनी भाई जी सोचता हूँ, जैसे अपने कभी कभी फट जाता है ना साइड से, कहीं होक पे लग गई कुछ हो गया, तो अभी आपसे कोई नहीं देख रहा, हो सकता आपका हाथ ऐसा हो, लेकिन आप पूरे टाइम वो फील करते रहते हो, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई क्या सोच रहा होगा। जैसे हम साइकिल पर घूमते ना, तो हम कई बार सोचते कि ये भीड़ हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, अरे वो इतने दुखी है कि भी अपने बारे में ही नहीं सोच पा रहे, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन बता आपको कौन दुखी कर रहा, अभी कोई जोड़ नहीं रहा आपसे, आप खुद जुड़ रहे हो, खुद जुड़ रहे हो।
ऐसे बताओ बाहुबली अच्छे थे कि भरत? दो ही लड़ रहे थे भाई, वो अच्छे थे कि वो? अभी पता है आपने रत्नाकर कवि ने भरतेश बिरबल लिखा ना, उसमें मालूम क्या लिखा कि बाहुबली को सबने मनाया, भरत ने मनाया, उनकी माता ने मनाया, उनके बच्चों ने मनाया, यहाँ तक कि बच्चे तो नाराज होके भरत के पाले में आ गए थे भाई कि मेरे पिताजी की कैसी बुद्धि मारी गई है, अब बड़ा भैया यदि चक्ररत्न जीत कर आए चक्रवर्ती तो उसका नियोग है, आपको क्या उससे लड़ना, दादाजी हम आपके साथ हैं। वो सब मना रहे और उसके बाद ही बाहुबली नहीं मान रहे, तो वहां मालूम क्या लेकर रत्नाकर कवि ने, देखो भाभी सभ्यता, अब इनको ऐसे परिणाम आने हैं तो वे किसी की नहीं मानेंगे। और मालूम है जब बाद में जैसे उनका डाइवर्ट हुआ उनका परिणाम, तो वो खुद कह रहे कि सब मना रहे थे, हम कैसे थे, हम कई कसाई कैसी हो गई हमारी कि हम बड़े भैया से लड़ने आ गए, कोई बड़े भैया से लड़ता है? वो खुद ही कह रहे धिक्कार है संसार को, चलते बने को। अब बताओ परिणाम कैसे रोके, कौन ने रोका? तो मैं कहना चाह रहा हूँ अब बताओ आप कि उसमें से खराब कौन है दोनों में से, बाहुबली खराब है कि भरत? चलो ये तो खराब नहीं है, लेकिन यशोदा मुनिराज के ऊपर श्रेणी के राजा ने सर्प डाला, वो 3 दिन तक भाई जी के शिविर में नहीं गया, कहीं और चला गया राजकाज में, तो भाई जी वो तो पापी है ना, उसने तो मुनिराज के ऊपर डाल दिया, और मालूम है कितनी आंख सूज गई थी उनकी चीटी से काटने से, केस पूरा एक बराबर हो गया था ऊपर। बोलो भाई वो तो खराब है कि नहीं? नहीं तो जोर से बोलो ना, ऐसे नहीं है, ऐसे कर रहे पता नहीं है कि नहीं। मिथ्या ज्ञान के 3 लक्षण, संशय, विपर्यय, अनतिवरता है कि नहीं? मालूम है आपको, सच कहता हूँ, अभी अपन लोग सुनते हैं लेकिन अपने अंदर संशय चल रहा, पता नहीं आत्मा में सुख है भी कि नहीं, पता नहीं निमित्त करता है कि करता है। मैं सच कहता हूँ, यहाँ बैठे हुए लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। बताओ माता रोटी बनाती है कि नहीं, महिला रोटी बनाती है कि नहीं? जल्दी से बोले नहीं। और बहन जी आप क्या बनाओ, पूरे घर की रोटी बनानी पड़ रही है, क्या बताऊं? अभी तो कह रहे नहीं बनाती है, फिर कहते पूरे घर की रोटी बनानी पड़ रही, परेशान हूं मैं। सास मॉल चली जाती है, पंचम काल की सास है, मंदिर आना चाहिए तो मॉल जा रही है। बोलो भाई कौन पापी है? सोदर मुनिराज के ऊपर सर्प डालने वाले सैनिक राजा पापी हैं कि नहीं? आपको पता है, आपको ऐसा लगता है भगवान हमारे परिणाम सबके प्रति अच्छे हो जाए, दृष्टिकोण ठीक हुए बिना कुछ ठीक नहीं होने वाला। और धन्य वे यशोदा मुनिराज जिनका दृष्टिकोण एकदम क्लियर था कि जो इसको सर्प डालने का परिणाम आया है ये इसका कर्ता नहीं है, संयोग सिद्ध संबंध वाला परिणाम है, और ये तो ज्ञान से तादात्म्य है, तो उन्हें उसके ऊपर गुस्सा ही नहीं आई। वो गुस्सा नहीं आई तो बाद में धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया तो सम्यक दर्शन के साथ एक तीर्थंकर खड़ा हो गया। अभी मतलब मैं इस प्रसंग पर हमेशा एक बात कहता हूँ, आपके परिणाम न जाने कितने तीर्थंकरों को मोक्ष मार्ग में लगने से रोक रहे हैं। लगता है अब दिन भर क्या चल रहा है, दिन भर धर्म चलना कहाँ चाहिए, तुम चलाना कहाँ चाह रहे हो, कहाँ चलाना चाह रहे हो? नवीन मैं एक प्रश्न पूछूं, नाराज मत होना, अभी कोई पूजन के काल में किसी की पॉकेट मार सकता है? पूजन में बैठे सब धीरे धीरे ऐसा किया, मार सकते हो भाई? नहीं मार तो रहे हो, आश्रव के परिणाम को चुरा तो रहे हो दिन भर, आश्रव की पॉकेट तो मार रहे हो दिन भर। मेरा परिणाम कहां पर? 3 लोग के नाथ की पूजन के काल में। अब बोलो, अभी मैं आपसे कहूं आप निवृत्ति कितने दिन में लेंगे? पिताजी आप तो पिताजी थे ना वहां पर, फेर लेंगे पिताजी, अब आप निवृत्ति आप तो ले चुके होंगे शायद, गलत प्रश्न पूछ लिया सॉरी। मुकेश भाई तुम निवृत्ति कितने साल में लोगे? सुनिए जी आप भी कैसा उल्टा, अभी तो मैंने नया नया धंधा चालू किया। आप बंद करने की बातें करने लगी, बकवास मत करो ना, तुम चालू करने वाले ना बंद करने वाले। मैं आपसे कहूं आपको गाथा पच जाए ना तो आदिनाथ से शिकायत बंद हो जाए,
अरे संयोग सिद्ध संबंध को 83 लाख पूर्व से पहले हटाने की ताकत किसी तीर्थंकर के द्रव्य की भी नहीं है। इसलिए जो ये बातें करते हैं ना, हमें निवृत्ति लेना है, तुम बातें ही कर सकते हो, निवृत्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है, निवृत्त चित्त तुम्हारे हाथ में, आज ही निवृत्ति ले लो ना। और निवृत्ति ले भी ली, जैसे वो हरी, आप लोग हरी खाते हो अभी 10 दिन में है? जो हरी को याद करता है वो हरी नहीं खाता, ठीक है ना। लेकिन पता है आपको हरी की याद नहीं है, हरी छोड़ दो दिन भर हरी हरी दिखे, हरी समझते हो, ग्रीन वेजिटेबल को हरी कहते, सही कह रहे मुकेश भैया। ये मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं कि आपको यदि अंदर का तत्व ज्ञान नहीं हुआ ना, तो निवृत्ति लेने के बाद भी भोग याद आएंगे। और भरत जी घर में ही वैरागी, क्या कहलाता, वैराग। हमारे आपसे सच कहते हैं, आज हम सब काम चोर हो गए हैं, काम चोरी करके धर्म समझना चाह रहे हैं, काम चोरी का नाम धर्म नहीं है। आप पता है मुनिराजों की कंसिस्टेंसी कितनी गजब होती है, उन्होंने आराधना के काल में ये ग्रंथ लिख दिए, काम चोरी नहीं करेगी, हमें किसी से क्या क्या पड़ी है, हमें क्या लेना देना। आपको पता है अपने भाई जी हैं, ये भाई जी इतनी जुझारू हैं, हमने देखा है ये 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक काम करते रहते हैं और सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के फिर काम करा देते, फिर ये स्वाध्याय कब करते होंगे। अरे ये 3 लोग के नाथ की सेवा कर रहे हैं, कोई कम स्वाध्याय है क्या इनको, तो पता प्रकृति ऐसी भेज देगी मोक्ष की, जाओ तुम मोक्ष, क्योंकि इनने देवसाध गुरु के लिए वो अर्पणता करी है। ये चलो हम तो जुझारूपन के लिए बता रहे, बोले तू काम चोरी करना मोक्ष मार समझ रहे ना, हमें दुकान ना जाना पड़े, हमें ऐसा ना करना पड़े। अरे तुम दुकान जाते ही नहीं हो, अब जी बता, मतलब आत्मा से धर्म चालू हो ही नहीं रहा, देह से धर्म चालू हो रहा। बोलो भैया तुम दिन भर किसे रोकने में लगे हो, संयोग सिद्ध को, वो तुम में आया ही नहीं है। एक प्रकार से वो अपन ने वो सुना है ना, वो प्रकाश की और अंधेरे की लड़ाई हुई थी, सुना था ना, वो अदालत गए थे तो अंधेरे ने शिकायत करी थी कि मुझको आने ही नहीं देता है, ये जब देखो तब खड़ा हो जाता है। तो फिर जज ने पूछा था कि तुमने उसको देखा है क्या, तो क्या बोला था उसने, पावन रजनी भाई, पावन तमें ख्याल से कौन से पावन, तमारू पड़ोसी नो दामान शैलेश भाई नो दामान। अच्छा जी, बहुत प्यारा जी, बच्ची भी कितनी अच्छी है। मैं कल वकील साहब से कह रहा था, देखो विद्वानों के घर पे बच्चे अपने आप ही प्रभावना के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा प्रोग्राम करा रही थी ना बहन कल, बोलो भैया क्या प्रश्न पूछा था हमने, हैं? अंधेरा, अंधेरे ने प्रकाश को देखा कि नहीं, तो शिकायत क्यों कर रहा, नहीं देखा तो। ऐसे जिस राग ने आज तक गया है कुछ हुआ ही नहीं है, उसको अलग करने में लगा है अनर्थ दंड। अरे मैं राग करता हूं ये भी अनर्थ दंड है, मैंने आज तक राग कभी किए ही नहीं। हमने कल दोपहर में कहा था, तुमने कर लिया होता तो मिथ्यात नहीं कहलाता जी, तुमने नहीं किया और करता बने हो तब तो मिथ्यात कहलाया, वो तुमने कर लिया होता और फिर हम उसको करता मानते तो सम्यक हो जाता। मतलब कितना स्पष्ट है, स्वभाव में धर्म मानना मिथ्यात्व ही है, कहना नहीं पड़ेगा है, उसका आपके साथ कौन सा संबंध है, संयोग से आपकी बॉडी में। अभी जसंत भाई जी कह रहे थे कि हमारे अंदर ही पैदा होता है, आप जबरदस्ती कहते हम करता नहीं, हम करता नहीं है, तो आपकी आपकी जब तबीयत खराब होती, कभी चोट लग जाती है, तो अंदर में क्या पैदा होता है, मवाद पीप, तो वो कहाँ पैदा हुई है, आपकी है ना, नहीं आपकी है कि नहीं पहले तो ये बताओ, आपकी है कि नहीं। मालूम है वो जितनी देर रहती उतनी देर वेदना देती है, और जैसे उसे डॉक्टर यूं करके निकाल देता, सफाई कर देता ना, तुरंत वेदना कम हो जाती। अब वो पैदा कहाँ हुई है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती।
कैसा लगता कभी कभी, चलो आज अष्टमी है अपन अभिषेक करेंगे, अपन मंदिर पहुंचे तो चले यार देखो परग्रह से कुछ कल्याण तो होना नहीं, एक तरफ दूसरे तरफ तो छू तो सकता नहीं, और भगवान को छूने को तो पंडित जी ने बताया था आश्रव भाव है, तो घर जाने को क्या संभव भाव बताया था, तो तुम घर जा रहे हो भाई, समझ में आया ऐसे पन्ना बदल के चुटकी में। इसलिए पता कभी दान भी लिखा हो तो तुरंत देना चाहिए, बाद में परिणाम बदल जाता है। और आप जिस अनुष्ठान से पुण्य बांधने वाले थे उसी से पाप बांधने लगते, बोलो भाई। तो आपके हाथ में जो मवाद हुई थी वो आपका बाई प्रोडक्ट है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है? तो प्रोडक्ट मोडक्ट नहीं, वो रोग है। बद्धघातक संबंध लिखा है इसमें, लाभ का वृक्ष के साथ कौन सा संबंध है? वो जब भी पैदा होगी उसका घात ही करेगी। ऐसे ही आपकी भले चैतन्य भूमि में ही पैदा होता हो राग, लेकिन वो कैसी है? आग है वो आग। आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, संयोग में आया था। और पता है संयोग में कोई संबंध होता है? नवीन भाई अपने सामने ये बैठे हैं जिनके नाम पर मुंबई है, तो अपने संयोग में है कि नहीं मंदिर के पास? तो अपने इनसे कौन सा संबंध है? बीनू भाई आप बता दो कौन सा संबंध है आप, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ रहते हो और आपको ऑफिस भी वही लगा हुआ है, आपको उनके साथ कौन सा संबंध है? मैं मालूम आपसे एक बात कहूं, खुद तो मेहनत रहना चाहता है और दोष आश्रव को देता है। आश्रव की आज तक कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी रफ्तार से आने जाने के लिए आया था, तुमने ही संबंध बना लिया। बताओ, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, गुरुदेव ने सब लॉजिक दिए हैं। आप ज्ञान गोष्ठी पढ़ना, गुरुदेव ने कहा ज्ञानी कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता चलता है कि मैं राग का कर्ता नहीं हूं, तो होते परिणाम का कर्ता नहीं बनने से उसके जीवन में जितना राग आता है वो सबका गे रहता है, ये रूप सबको देखकर ज्ञाता रहता है, यूं चला जाता है। अब मैं भी अभी अपना मोक्ष मार्ग चल कहां रहा है मुकेश भैया, कहां चल रहा है? फेर फार में चल रहा है, इसको रोक लो उसको रोक लो इसको ऐसा कर लो, अरे किसी को नहीं रोकना है, सिर्फ भिन्न जानना है। पर संयोग नाम बहुत अच्छा दिया है, समान योग होता है ना, दो चीजें एक साथ खड़ी हो जाए उसको संयोग कहते हैं। संबंध कुछ नहीं होता उसमें, संबंध तो तुम बनाते हो, नहीं बनाओ तो कोई संबंध ही नहीं है भैया। कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है। अभी बाजार में कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो घायल हो जाए, तो आपको उतनी तकलीफ होती जितनी जिसने उसके साथ संबंध बना के रखा उसे होती? संबंध ही नहीं हमारा उसके साथ। इसलिए भैया तादात्म्य सिद्ध संबंध और संयोग सिद्ध संबंध, जितने प्रकार के रागादि भाव हैं उनका आपके साथ कौन सा संबंध है? होते हैं और मर जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, चले जाने के लिए ही आए हैं, और आपका आपके साथ कौन सा संबंध है? अपने बड़े पंडित साहब कहते हैं कि इसको ऐसी उल्टी बुद्धि है, तो आप अपने बच्चे से बहुत राग करते हो, तो बोले क्या बताऊं अंदर से ही आता है, अंदर से ही आता है। और बोले कि आपको ज्ञान की वो पंडित जी पढ़ाते ना तो ज्ञान होता है, बोले भले आदमी जो तुम्हारा स्वभाव है वो पंडित जी से होता है, और जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है वो अंदर से आता है। अंदर अंदर से नहीं आता है, उदयाधीन आता है, उदयाधीन आप देख लेना। कभी कभी ऐसा होता है आपको वो जैसे वो गुरुदेव कह को दान देते थे मिठाई, कौन सी मिठाई कहते थे वो? मैसूर पाक। तो मैसूर पाक आपको देखना कभी कभी खाने का भाव आता है, मैसूर पाक बना दो ना, जब तक बन के आए तब तक डाउन हो जाता है, चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो भाव आया था ना, समझ में आता भैया? ऐसा इसलिए पता चलता वो अंदर से नहीं आया था, वो उदयाधीन आया था, और उदय की काल अवधि बीती। आप पता है भोगों के संबंध में देख लेना, एक पीक अवर्स होता है लाइफ का, तब भोग बहुत सताते हैं, घबराना नहीं चाहिए, थोड़े दिन वो चले जाएंगे, क्योंकि उनका भी स्वकाल है। हमारा तो एक ही काम है बस, क्या काम है? भेद विज्ञान। आपको पता है चक्रवर्ती की रानी का क्या नाम था? सुभद्रा भाई, सुभद्रा ही नाम था रानी भाई, भरत की पटरानी का नाम।
तो आपको पता है उसका भाई इसको देने नहीं चाहता था, थी तो बुआ की बच्ची, मामा बुआ का होता ना तो उनका संबंध था, वो देने तैयार नहीं था। उसका भाई बोला मुझे नहीं देनी, हजारों की भीड़ में जाके मेरी बहन मिल जाएगी, मैं तो सिंगल को दूंगा। तो ये बोला कि वो देनी तो पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी, नहीं तो युद्ध होगा। समझ में आता? मैं आपसे कहूं एक स्त्री के लिए युद्ध करने तैयार है, छाये समय थी रामचंद्र जी एक सीता के लिए युद्ध करने तैयार, जबकि घर पे 16,000 थी। ये पता है ये सब टेक्निकल गणित ही समझ में नहीं आएगा। समझ में आता भैया? वो एक रानी के लिए लड़ने तैयार है, तैयार है। अरे संयोग में ऐसे ही परिणाम आ रहे हैं अभी तीव्र आसक्ति के, कि मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। फिर पता शर्त लगाई उसने कि हम एक शर्त पर अपनी बहन देंगे, तुम उसे पटरानी बनाओगे। बोले ठीक है। लेकिन आपको पता है चक्रवर्ती की पटरानी में फिजिकली कुछ खूबियां होती हैं जो सब में नहीं होती, मतलब वो सुभद्रा उसी के लिए बनी थी। आपको पता है उसका व्यक्तिगत बच्चा नहीं होता तो पटरानी का, ना उसको अंदर से वो गर्व संबंधी क्रियाएं होती हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता कुछ से, लेकिन वो पहले से तैयार थी। अभी आपको ऐसा लगता है कि वो उनको ऐसे परिणाम क्यों आए? मोटानी जी, यदि उसको ऐसे परिणाम नहीं आते तो वो पटरानी जो बनकर आई थी प्रकृति से वो कहां जाती? अभी आप मालूम हवा में तीर चलाते हो क्रमबद्ध क्रमबद्ध। मैं मुकेश पता है आदिनाथ ने तुम्हें बंदर मस्जिद पर उस दुकान में बैठे हुए देखा था अरबों वर्ष पहले। अरे जो भी होगा ठीक है भाई, ना बंदर काम का ना मस्जिद काम की, तो आगे लगा कर दीजिए। इस प्रसंग पर एक और बात कह देता हूँ, एक 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 चीज का गलत नाम लिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? भगवान होके भीख मांग रहे हो विषयों की। बोलो साहब, कार में जाएंगे कि पैदल? 4 दिन तो मैं पानी में गए, क्षमा मारदा वार जा और सोच सत्य क्या किया पूजा है? दोनों किया है तो मुझे तो बता दो मैं शाम को किस पर बोलूंगा। मैं तो सोच पे बोलूंगा, क्योंकि 4 कसाय के अभाव बिना सत्यता कैसी? बोलो भैया, लगता है आपको मतलब मालूम है? आपसे सच कहता हूँ, इसको कहते सहज स्वीकार। क्रमबद्ध के परिणमन में यही बात आनी थी, सहज स्वीकार, ऐसे ही होना था सहज स्वीकार। आपने देखा गुरुदेव को भले भावना अंदर से मुनि बनने के ऊपर, कहीं बाहर से ऐसी आकुलता देखी कि इससे ज्यादा कुछ कर लू, इससे ज्यादा कुछ कर लू, अरे क्या ज्यादा कर लू? परिणाम एक एक दिन पहले वो परिणाम नहीं ला सकते आप, एक क्षण पहले वो परिणाम नहीं ला सकते आप। अभी मालूम जीव धर्म करने के नाम पे भी इतना आकुलित है, पंडित जी मैं क्या करूं कि प्रतीति हो जाए? तू कुछ नहीं कर तो प्रतीति हो जाए। मैं ध्यान लगाने के लिए क्या करूं? ध्यान लगाना नहीं पड़ता भैया, जब वस्तु स्वरूप क्लियर हो जाता है तो अपने आप ध्यान में चीज आती है, अलग से ध्यान नहीं लगाना पड़ता। लेकिन इसको मालूम धर्म करने के नाम पे भी कर्तृत्व है, और उस कर्तृत्व का नाम आसरा भाव है। वो आसरा भाव शांति से नहीं बैठने देता। कल एक बहन प्रश्न पूछ रहे थे ना, कोई आप ही पूछ रहे थे कि वो फिर हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करें, कोई पुरुषार्थ नहीं करें, तो आप क्या समझते पुरुषार्थ कैसे कहते हैं? रो जा रहे हो? पहली बार आए, रो जाना ठीक है ना, मैंने देखा नहीं इसलिए पूछ लिया, कोई बात नहीं। बोलो सुलभ 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 पुरुषार्थ क्या है? बस इतना ही सीखा है, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। पहले निर्णय करो, तत्व का निर्णय करो। टोडामी साहब ने मालूम दूसरे पुरुषार्थ की तो बात ही नहीं करी, उनने कहा तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है जिसका नाम है तत्व निर्णय, हम तत्व निर्णय ही नहीं करते। फिर दूसरा पुरुषार्थ भी लिखा है कुंदकुंद आचार्य ने, भेद विज्ञान ही एक पुरुषार्थ है। तीसरा कोई पुरुषार्थ लिखा है? ये पर्याय को उठापटक करना पुरुषार्थ है? अब देख रहे, एक उदाहरण आता है जिनवाणी में, बनारसी दास जी थे, बनारसी दास जी तो एक पंडित जी थे,
वो बैठे चार छह लोगों के बीच में कुछ पाठ कर रहे थे, तो बनारसी दास जी पीछे गए ऐसे ऐसे करे रजनी भाई जी ऐसे तो वो पंडित जी देखे तो बनारसी दास जी वहां पीछे वो तब वृक्ष छिप गए, बोले वो मुझे चिढ़ा रहा है, वो मुझे चिढ़ा रहा है। सबने पीछे मुड़ के देखा कौन, कोई तो है नहीं, इतने फिर वापस आए भाई जी तो वो मुझे चिढ़ा रहा है। तो सब लोगों ने देखा अरे ये तो पंडित जी हैं, ये तो बनारसी दास जी हैं, ये क्यों चिढ़ाएंगे, मानो वो चेक कर रहे थे, वो चिढ़ा नहीं रहे थे तुम चिढ़ रहे थे। ऐसे एक भी और एक भाव तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुम परेशान हो रहे हो। एक भी राग भाव तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुम परेशान हो रहे हो। समझ में आता है? अभी भाई ने कहा ज्ञातादिष्टा रहना पुरुषार्थ, करो ना पुरुषार्थ, जो परिणाम जब आ रहा है उसकी ज्ञातादिष्टा रहो, रह तो पाते नहीं हो, ये पुरुषार्थ। वेद विज्ञान बिना पुरुषार्थ ज्ञाता रहने का पुरुषार्थ संभव ही नहीं है, रहो ना ज्ञातादिष्टा रहो। हमने कल रात में प्रतिक्रमण की बात की थी, अपने दोष बताना, जब तुम ज्ञाता भाव से देख पाओगे तब ईमानदारी से बता पाओगे। सीसी कैमरा होता है ना, वो सीसी कैमरा जो देखता वो बताता है, छांट के नहीं बताता कि ये मेरा मेरा वाला है इसको मत बताओ, ये दूसरा वाला है इसको बता दो। ऐसे यदि आप सचमुच ज्ञाता दृष्टा हो जाओ ना, तो पाप को पाप समझने लगो, पुण्य को पुण्य समझने लगो, राग को राग समझने लगो, ज्ञान को ज्ञान समझने लगो, लेकिन अभी तो घोटाला करते हो। योगेश भाई आपके लिए एक बात कहूं, चूंकि आप स्वाध्यायी हो अभ्यासी हो, अभी तो पता है ये मुंह से कहता है शुभ भाव ये है शुभ भाव है अशुभ भाव है। आप देख लेना जितनी देर आपको आत्मा संबंधी शुभ भाव चल जाती उतनी देर हमारी जीत, और नहीं चले तो हार। पंडित जी आज का तो दिन ही खराब निकल गया, क्यों आज हम कुछ सदै नहीं कर पाए। हमें पंडित साहब कहते हैं जिनवाणी जिनवाणी के आधार से स्वाध्याय नहीं होता, जिनवाणी के आधार से अध्ययन होता है। स्वाध्याय तो अपने साथ होता है। तुम ऐसा बोलो अध्ययन नहीं कर पाए आज, क्योंकि स्वाध्याय तो दिन भर चलने वाली प्रक्रिया थी, वो तो रुकने ही नहीं चाहिए था, वो हुआ ही कहां तुम्हारा। ऐसा मुंह से बोलते हो, आपको मालूम है सच कहता हूँ 90% लोगों को एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है। उसको यदि बाहर में से धर्मी धर्मातन वाला एनवायरमेंट मिलता है तो वो सोचता है कि आई एम पास, और वो एनवायरमेंट नहीं मिला तो आई एम फेल। 60,000 वर्ष तक चक्रवर्ती चक्र रत्न लेकर पूरा 6 खंड के दिग्विजय पर गया, उसने तो शिकायत नहीं करी है ना। तो मजा आता है। अभी हम कल वहां पे आईएस जैन साहब के यहाँ गए थे ना, बीनू भाई 2 मिनट है ओनली, कहीं बात नहीं थी। मैं क्या करूँ यहाँ बम्बई है ना रजनी भाई, तो एकदम वो कहते कि नहीं लिमिट में आराधना होनी चाहिए यहाँ पे, अनलिमिटेड आराधना नहीं। इसको मोबाइल का प्लान अनलिमिटेड चाहिए, वाईफाई अनलिमिटेड चाहिए धर्म। 10:15 मतलब इसके बाद तुम मोक्ष भी दोगे तो मैं अगले दिन लूंगा। मैं मालूम आपको एक आखिरी उदाहरण मतलब बताता हूँ, भरते देखो आप पढ़ा करो खूब स्वाध्याय करो, प्रथमानी योग मतलब लाइफ स्टाइल है, जीवन जीना हो तो प्रथमानी योग पढ़ो। तो हम वो आई एस जैन साहब क्या गए, तो इनका वो मालाबार हिल पर ऊपर मैं क्या कहूँ जो कुछ भी है, तो उसमें इतना बड़ा मैं समुन्दर देख रहा था पीछे। आपको पता है भरत चक्रवर्ती जा रहे थे रास्ते पे, और एकदम वो समुन्द्र पड़ते हैं दो, मैं नाम भूल जाता हूँ, एक में सामग्री डालो तो चली जाती है और एक फेंक देता है, उन्मग्न और निमग्न ऐसे समुन्द्र पड़ते हैं। तो मालूम वो जैसे ही जाकर वहां खड़े हुए वो समुद्र देखते साथ खुश हो गए और महामंत्री से बोले कि यही पड़ाव डालो, मगदाम्बर था नाम, जय कुमार सेनापति भी था, तो मगदाम्बर यही पड़ाव डालो। बोले साहब बात क्या है, अरे कहने लगे समुद्र को देखकर मुझे ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा की याद आ गई, अब मैं 3 दिन यहाँ से नहीं उठूंगा। तो बोले साहब आप कैसा कर रहे हैं, कोई ने हमला कर दिया तो। मालूम क्या बोले महामंत्री, चक्र रत्न हमारे घर में पैदा हुआ उसके घर में नहीं, जीतना तो हमें ही है। लेकिन तुम्हें पता है, मालूम क्या बोले, तुम चक्रवर्ती को पहचान नहीं पाए। महामंत्री भरत 6 खंड को जीतने के लिए नहीं, अखंड को जीतने के लिए पैदा हुआ।
इसलिए मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे तो मोहे को जीतने की परवाह। बैठ गए, 3 दिन उठे नहीं, पर ऐसे बैठते थे कि हाथ की दसों गलियों में जो पहने होता सब जमीन पर गिरता था। मैं तो आपको सच कहता हूँ, आपको तो धन कमाना भी नहीं आता, आप तत्व ज्ञान को कमाने लगो, धन आपका पीछा करेगा। मैं कई बार भाई जी के संबंध में सोचता हूँ कि भाई जी खड़े होते हैं तो पैसा क्यों बरसने लगता है, मालूम है क्यों? देव सास गुरु की जो सेवा करेगा पुण्य उसका पीछा करेगा, पक्की बात है। आप कर देख लेना, जो देव सास गुरु के गुरुदेव उदाहरण देते थे ना, बेंगलोर का सेठ सुनाम से भाई भभूतमल भंडारी, 8 दिवस माटे 8 दिन के लिए गए शिविर में, तो रेट नीचे घर में आता। भैया मैं तो कभी कभी सोचता हूँ पुद्गल इंतजार कर रहा है तुम्हारी विशुद्धि का, लेकिन विशुद्धि नहीं होने से वो भी रूठ कर चला जाता है। किसके पास विशुद्धि नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा इसके पास, जिसके पास विशुद्धि उसके पास दौड़ कर आता है। इसलिए आप वेद विज्ञान करना, वो परिणाम आपके है ही नहीं जिसे आप मैनेज करना चाह रहे हो, और वो परिणाम आपका है जिसे मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। वेल मैनेज्ड प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए जो है उसे वेलकम करो, उसका नाम ज्ञाता दृष्टा, और फेर फार करने की कोशिश करी तो निगोद की टिकट है। मतलब सिर्फ शुभ भाव नहीं, तुमने अशुभ भाव को भी ऊपर नीचे करने की कोशिश करी तो निगोद जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे संयोग में है, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, और संयोग में कुछ भी करा जाना संभव ही नहीं है। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।